सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए, कहीं मेरी बुराई कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म है? और भाई जो कहीं ना कहीं एक जो एक जंग छिड़ी हुई है एक एल्विश के और आपके फैंस के बीच में, सारा प्यार है, प्यार वो अपना भाईचारा है, क्या कहेंगे अंकल, बहुत सपोर्ट मिला है आपको भाई, कैसी है भाई? बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर। सो हे गाइस, फुकरन सान जो ना अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के जो ना घर वापस आ चुके हैं, ठीक है। बाहर आने के बाद जब उनसे पूछा गया एलविश यादव उनके भाईचारे के बारे में, उस पर उन्होंने क्या कहा था, इसके बाद जो ना आपको पता होगा काफी सारे लोग जो ना एलविश यादव को भी ट्रोल कर रहे थे कि भाई सभी लोग जो ना फुकरन सान से मिलने के लिए जो ना हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्या भाईचारा सिर्फ बिग बॉस तक था? उस पर जो ना एलविश यादव ने क्या जवाब दिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फुकरन सान जब हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे तभी जो ना जिया शंकर भी उनकी गाड़ी के आगे जा रही थी, यानी कि वो भी जो ना फुकरन सान से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। सबसे पहले देखिए फुकरन सान ने उनकी हेल्थ के बारे में क्या कहा, उनकी हेल्थ अभी कैसी है? भाई कैसी है अभी? भाई बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। अब लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए, आप में जितना प्यार मिल रहा है मेरे को। इसके बाद दोस्तों फुकरन सान से पूछा गया कि एलविश यादव उनके फैंस में जो फाइट चल रही है बाहर, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही से देखिए। लास्टली दर्शकों से कह दो आप, और भाई जो कहीं ना कहीं एक जो एक जंग छिड़ी हुई है एक एलविश के और आपके फैंस के बीच में, सारा प्यार है, प्यार वो अपना भाईचारा है, क्या कहेंगे अंकल, बहुत सपोर्ट मिला है आपको सबके लिए, बढ़िया। अब दोस्तों जब सभी लोग जो ना फुकरन सान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए थे तो फिर एलविश यादव क्यों नहीं गए थे, इस पर जो ना एलविश यादव ने रिप्लाई दिया है, आप खुद ही से देखिए। कहीं मेरी बुराई कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए? भाई तुमने देखा होगा मैं इस चार दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद और यहां भी बंद, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया और मैं आज जाने वाला था क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीज़ें मुझे आज करनी थी, बट उन्होंने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना।